होंगे और साथ ही साथ आपके चेहरे पर चमक और रौनक काबिले दीद होगी क्योंकि बहुत अच्छा ग्लो सीरम है। सबसे पहले हम एलोवेरा जेल चाहिए, बातें हम बीच में करते रहेंगे, साथ साथ मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताते चले हैं, देखने के बावजूद अगर आपको समझ नहीं आए तो 2 चम्मच एलोवेरा जेल के ले रही हूँ। मार्केट से कोई भी अच्छे ब्रांड के एलोवेरा जेल ले लीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये इस्तेमाल करें, तो आप फ्रेश ले लें। रोज वाटर आपको चाहिए 2 टीस्पून ही, आपको गुलाब का रस चाहिए मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, पंसार से मिल जाएगा, और आपको घर पे बनाने का तरीका भी हम बता चुके हैं पिछली वीडियो में। हमारे चैनल पे जाके शो मोर पे क्लिक करिए, तमाम वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे और आप अपने मतलूबा वीडियो जो है वो देख सकते हैं। दोनों चीजों को मिक्स करेंगे, जब तक मैं इसको मिक्स करती हूँ आप लोगों को बताती चलूं कि इसको ऑयली स्किन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ज्यादा मसला बेचारे ऑयली स्किन वालों का ही होता है, और ऑयली स्किन वाले से बेफिक्र होकर अप्लाई करें, उनकी स्किन को कोई भी टेंशन नहीं बनेगी। अब जैतून का तेल हम इसमें शामिल करेंगे, ये ऑयली स्किन के लिए जबरदस्त चीज है, आप बेफिक्र होकर इसको इस्तेमाल करें, इसको बनाना भी कोई मुश्किल नहीं, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, तमाम चीजें आपको घर पे मिल जाएंगी, कोई एक तो समटाइम घर पे नहीं होती तो आप वो मार्केट से आसानी के साथ ले सकते हैं। ठीक हो गया जी, 1/2 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें जैतून का तेल मिक्स किया है, और इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद नेक्स्ट हम इसमें मिलाएंगे ग्लिसरीन, ये आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी, 1 टीस्पून आपने इसमें ग्लिसरीन का मिलाना है। ठीक हो गया जी, हम बात ये कर रहे थे कि इसको हर तरह की स्किन वाले इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कोई टेंशन नहीं, और इसमें सबसे ज्यादा जबरदस्त बात यह है कि इसके 8 से 10 दिन के इस्तेमाल से आप अपने चेहरे की रौनक देखिएगा। अब इसमें मैं पेट्रोलियम जेली शामिल करने वाली हूँ, ये आपको किसी भी जनरल मार्ट से मिल जाएगी, सुपर स्टोर से मिल जाएगी, ये जहां से आप अपनी क्रीम लोशन वगैरह लेते हैं वहां से मिल जाएगी। करीब 1/2 टीस्पून जो है वो इसमें मैं पेट्रोलियम जेली मिलाऊंगी या वैसलीन। ठीक हो गया, अब तमाम चीजों को हमने मिक्स करना है, स्टेप बाय स्टेप मिक्स करेंगे तो थोड़ी मेहनत कम करना पड़ेगी। इसको अच्छी तरह से यकजान करने के लिए आपको 3 से 3.5 मिनट लग जाएंगे, मैं चूंकि बहुत तेज तेज करके आपको दिखा दूंगी कि फाइनली इसकी शक्ल इसकी लुक क्या आएगी। ठीक हो गया, जब तक मैं इसको मिक्स करती हूँ आप मैं अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करती चलूं कि जो नए दोस्त हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप नई वीडियो को देख सकें, और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल के बटन को लाजमी क्लिक करिए, प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, जैसे मैं नई वीडियो अपलोड करूं आप सबसे पहले उसको देख सके। इसके अलावा जैसे कि हमने बताया कि सबाजी लाइब्रेरी चैनल हमने माशाल्लाह से क्रिएट कर लिया है और हमारे सब्सक्राइबर भी इधर से वहां जा रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, तो आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारे दूसरे चैनल का लिंक देख सकते हैं, उस पर क्लिक करिए और हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि उस पर भी हम थोड़ी देर बाद वीडियो जो है वो अपलोड करने वाले हैं, एंड आई एम श्योर आप लोग उस पे अपलोड होने वाली वीडियोस को बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे, बल्कि आप लर्न करेंगे, इतनी जबरदस्त वीडियो और इतना प्यारा नॉलेज हम आप लोग के साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। फाइनली इसमें मैं ऐड करूंगी विटामिन ई का एक कैप्सूल, इवियन के नाम से 600 mg आपको मेडिकल स्टोर से इवियन कैप्सूल मिल जाएंगे, विटामिन ई के कैप्सूल होते हैं, एक कैप्सूल आपने इसमें लेना है। अब हम आ जाते हैं इसको स्टोर करने वाली साइड पे, तो इसको आप आसानी के साथ 8 से 10 दिन फ्रिज के अंदर स्टोर कर सकते हैं, अब मौसम ठंडा है फ्रिज के बाहर भी स्टोर हो जाएगा, अपनी टेंशन नहीं लेनी, किसी डब्बी में डाल के इसको आप स्टोर कर लीजिए फ्रिज में। और अब हम आपको अप्लाई करने का तरीका भी बता देते हैं, ये हम बता चुके हैं बॉयज एंड गर्ल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयली स्किन वाले इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्राई स्किन वाले, नॉर्मल स्किन वाले, स्किन फेयर भी होगी, दाग धब्बे भी खत्म होंगे, मतलब आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होके खत्म होंगे, एकदम से खत्म नहीं होंगे, और आपकी स्किन बहुत प्यारी एकदम सॉफ्ट और नॉर्मल लाइम हो जाएगी। मैं जितनी भी तारीफ करूंगी ये कम है क्योंकि जब आप इसको अप्लाई करेंगे तब आप इसको जान पाएंगे। आपका ग्लो सीरम बनके बिल्कुल रेडी हो गया है,
अब इसके अप्लाई करने की तरफ आते हैं। कॉटन बॉल की मदद से रोज वाटर या कच्चा दूध उसे अपने चेहरे पर अप्लाई करिए और 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 10 मिनट के बाद अपने चेहरे को ठंडे पानी से धोइए और थोड़ा सा ग्लो सीरम अपने चेहरे पर इस तरह से लगाइए और आप इसे गोलाई में सर्कुलर मोशन में इसको मसाज करिए। ये मसाज आपका 1 मिनट तक होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। और सबसे बेस्ट बात भी इसकी बता देते हैं कि इससे आपके चेहरे पर कोई भी चिपचिपाहट नहीं होगी। ये इतना डिफरेंट ग्लो सीरम हमने आपके साथ शेयर किया है एंड आई एम श्योर आप लोग इसको बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। जब आप इसे बनाएंगे रिजल्ट्स देख के आप डेफिनेटली इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। बातें हमारी बहुत सारी हो गई हैं, ग्लो सीरम भी हमने बता दिया और ऑलमोस्ट आप लोग के तमाम कमेंट्स का जवाब हमने पहले एडवांस में आपको दे दिया है। और अब हमारा बाकी बचा है आज का लेसन। आज के लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे, बट लेसन की तरफ जाने से पहले एक जरूरी बात बताती चलूं कि बहुत सारे फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट की है कि मैम आपके दूसरे चैनल का हमें लिंक नहीं मिल रहा तो उन्हें सब्सक्राइब करने में प्रॉब्लम आ रही है। उसका तरीका ये है कि जैसे मेरी ये वीडियो खत्म होगी आपने इसको बंद करने की जल्दी नहीं करनी। वीडियो के खत्म होते ही लास्ट पे 3 लिंक आएंगे। एक सबाजी लाइब्रेरी का आएगा जिसके सेंटर में एक लड़की बैठी बुक रीड कर रही है, उस पे आप क्लिक करें। आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट सबाजी लाइब्रेरी चैनल पे पहुंच जाएंगे और वहां जाके आप इसको सब्सक्राइब कर लें। और दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन आ रही है, उस डिस्क्रिप्शन को क्लिक करें और उसके ऊपर आपको जो है वो सबाजी लाइब्रेरी का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करिए, आप डायरेक्ट हमारे दूसरे चैनल पे पहुंच जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो नए दोस्त मेरे इस चैनल पे आज पहले दिन आए हैं वो मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली